आज हम कक्षा अष्टम के लिए इसके वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण में मैंने पहले वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेद में जैसे स्वर वर्ण का परिभाषा और स्वर वर्ण के भेदों की परिभाषा और उसके उदाहरण समझाए थे, लिखे थे। फिर से आज उसको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा होती है नास्ति अक्षर। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे ओ आ जो ओ आ हस्वी दिल्ली हरसु ए ऐ ओ ओ अंग अ ए जो होते हैं, ये इसको हम वर्ण कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं। तो वर्ण के जो दो भेद हमने बताए थे, पहला था स्वर वर्ण, दूसरा था व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को संस्कृत में अच स्वर वर्ण कहते हैं और व्यंजन वर्ण को हम हल व्यंजन वर्ण कहते हैं, हल कहते हैं, अच और हल। तो इस तरह से स्वर वर्ण का है जिसका उच्चारण स्वतः हो, अर्थात बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ आ हस्वी दीर्घ हरस्वी दीर्घ हरस ई दीर्घ ई हरसु दीर्घ ए ऐ ओ ओ अंग अ, ये सारे जो हैं यह स्वर है। स्वर के तीन भेद हमने बताए थे, दीर्घ दीर्घ स्वर वर्ण, हरस्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। हरस्वर वर्ण है जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है, उसे हरस्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ आ हरसुई हरसु चार है। उसके बाद हमने बताया कि दीर्घ स्वर वर्ण के बारे में जिसके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है, यानी दो मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। उसके लिए मैंने बताया कि हरसुई दीर्घ दीर्घ ए ऐ ओ ओ। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ए ऐ ओ ओ इसको हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं, यानी दो वर्ण संयुक्त स्वर, यानी जो दो स्वर मिलकर एक संयुक्त स्वर यानी नया स्वर बनाता है, जिसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ओ और ई मिलने से ए बनता है, ओ आ और दीर्घ ई मिलने से ऐ बनता है, ओ जो उ मिलने से ओ बनता है, आ प्लस दीर्घ उ बनने मिलने से ओ बनता है, यह है इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। अब है प्लुत स्वर वर्ण, जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की मात्राओं से अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओम, इसको वैदिक वेदों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी पंडित लोग पांडित्य कर्म जो करते हैं उसका प्रयोग करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण उच्चारण स्वर की सहायता से हो, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे क, क में अ मिलने से ये बनता है क। जैसे ख, ख में अ स्वर मिलने से ये बनता है ख। अर्थात जैसे ग है, ग प्लस अ तब ये पूर्ण रूप से बनता है ग। इस तरह से स्वर की सहायता ली जाती है व्यंजन वर्ण को लिखने में और बोलने में। अब व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं।
व्यंजन वर्ण के तीन भेद हैं होते हैं। व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, क्या आता है? कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग आता है। एक कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, इसमें होगा च, छ, ज, झ, ई, इसमें होगा ट, ह, ड, ढ, ण, इसमें होगा ट, थ, द, ध, न, इसमें होगा प, ह, ब, भ, म। इस तरह से इसकी संख्या संख्या होती है कितनी? 25 यानी 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और इसके बाद हम लोग स्पर्श व्यंजन के कुछ परिभाषा के बारे में जानेंगे। स्पर्श क्या है? छूना, यानी वह व्यंजन जो मानव मुख से निकलते समय स्पर्शता यानी चुमन के साथ जब मुख से बाहर निकलता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क के ख जो है यह स्वर की सहायता से बोली जाती है, यानी वह चुमन क्या है? स्वर है। वह स्वर स्वर जो है इस व्यंजन को पूर्ण करता है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतरस्थ व्यंजन, अंतरस्थ, अंतरस्थ व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन। और तीसरा है उष्ण व्यंजन। अंतरस्थ व्यंजन क्या है? अंतःस्थ, एक्सटर्नल, इंटरनल, यानी अंतः भाग और बाह्य भाग, यानी मानव मुख से वैसे व्यंजन, वैसे वर्ण, वैसे अक्षर जो मानव मुख से निकलते समय यानी बाहर आते समय, यानी अंतः भाग में और बाह्य भाग में, दोनों में बाह्य और पर्यत्न, इसका जो घर बाहर निकलते हैं उसे हम व्यंजन बन करते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन बन करते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग मैंने पढ़ लिया, तो हम लोग इसमें य, र, ल, व, यानी य, र, ल, व, चार, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या चार, इनकी संख्या चार है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? चार, य, र, ल, व। अब है तीसरा उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, यानी उष्ण व्यंजन, उष्ण का अर्थ होता है गर्म, यानी कि मानव मुख से ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जो मानव मुख से गर्म हवा यानी गर्म श्वास के साथ निकलते हैं उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे तलावेश, मूर्धन्य, दंश, ह, इनकी भी संख्या कितनी है? इनकी संख्या चार।
तलामेश्वर मूर्धन्य दंत ह, इनकी भी संख्या चार है। इस तरह से हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, धस्त व्यंजन और उच्च व्यंजन। अब हम लोग छ त्र ज्ञ जिसका लोप हुआ है उसके बारे में जानते हैं। छ त्र ज्ञ कौन हो गया, वो कहाँ गया, छ त्र ज्ञ होता क्या है, तो उसको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। उसको हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन के नाम से। अर्थात संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दो वर्ण आपस में मिलकर एक नवीन वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे उसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उधर संयुक्त स्वर था ए ऐ ओ ओ, ओ प्लस ई मिलके ए बना, आ प्लस दीर्घी मिलके ए बना, ओ प्लस ऊ मिलके ओ बना, आ प्लस दीर्घू मिलके ओ बना। उसी प्रकार से इसमें छ त्र ज्ञ जो है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात दो वर्ण आपस में मिलकर एक नवीन वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है छ त्र ज्ञ और भी आगत ध्वनि है, आगत वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे है त्र द्व द्य। इस तरह से इसको अब दो वर्ण से मिलकर छ कैसे बनता है, तो क हलंत जोड़ और प्लस क हलंत जोड़ अ, यानी क क प्लस स मिलने से छ का निर्माण होता है। तो क्योंकि हम क इसलिए लिखे हैं कि क जो है अधूरा होता है, पूर्ण करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है, इसीलिए हमको इसे लिखना पड़ा। क हलंत क प्लस अ प्लस मूर्धन्य स प्लस अ बराबर छ होता है। इस तरह से त्र है त हलंत जोड़ अ प्लस र हलंत जोड़ अ, ये हो गया त्र। इस तरह से ज्ञ के लिए ज हलंत जोड़ अ प्लस य हलंत जोड़ अ ज्ञ हो गया। अर्थात क क प्लस क बराबर छ होता है, त प्लस र बराबर त्र होता है, ज प्लस य बराबर ज्ञ होता है। ये होता है त्रावेश हलंत अ र हलंत जोड़ अ, तो ये हो गया त्रावेश हलंत त्रावेश प्लस र बराबर स्र। द प्लस अ प्लस व प्लस अ, अर्थात द प्लस व बराबर द्व। द्य विद्यालय जो लिखते हैं द्वय संयुक्त वाला है, द्वय संयुक्त वाला, तो द हलंत जोड़ अ प्लस य हलंत जोड़ अ, तो द हलंत जोड़ य बराबर द्य होता है। इस तरह से ये संयुक्त वर्ण बनते हैं। तो आज हम लोगों ने व्यंजन वर्ण के अंतर्गत व्यंजन वर्ण की परिभाषा, व्यंजन वर्ण की परिभाषा जो है जिसका प्रयोग स्वर की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, धस्त व्यंजन और उच्च व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है वो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग
कवर्ग चवर्ग तवर्ग और कवर्ग है जिसकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन जो है वह है य र ल व, इसकी संख्या 4 है। और उस व्यंजन जो है उस वह है तलावेशम ध्वंसम दंसम जिसकी संख्या 4 है। इस तरह से 25 4 29 29 और 4 33 और ये 3 36 अर्थात अब जो है 6 3 3 2 तो 6 3 3 बचता है यह लोग, यानी कि व्यंजन वर्ण में कवर चौर तवर तवर कौर आता है, यह लोग से 11 अक्षर आते हैं, उसमें 6 3 3 जो छूट रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसकी परिभाषा है दो वर्ण आपस में मिलकर एक नवीन वर्ण का निर्माण करते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ प्लस स बराबर छ त प्लस र बराबर त्र ज प्लस य बराबर ज प्लस व बराबर द प्लस य बराबर द। इस तरह से संयुक्त व्यंजन हो गया। अब जो है व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के बारे में हम लोगों ने जाना, अब आता है इसमें अनुतार 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 क्या है। अनुतार अनुतार कहता है कि मानव मुख से निकलने वाली ध्वनिया आरोह तथा अवरोह अर्थात उतार चढ़ाव के साथ साथ झंकृत होकर मुख से बाहर आती है, मुख से बाहर निकलती है उसे अनुतान कहते हैं, अनुतान कहते हैं। अनुतान से संगीत बनता है, अनुतान से संगीत का निर्माण होता है। जैसे सा रे ग म प ध नि स, फिर से प ध नि स से सा रे ग म प, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने को आरोह और इंक्रीज और डिक्रीज, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है मैथ में, उसी प्रकार से आरोह और अवरोह उतार और चढ़ाव के साथ जो बाहर आते समय झंकृत होते हैं उसे हम अनुतान करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा अच्छा 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 अच्छा, और इसमें मैं क्या करूँगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दिए, यहाँ कोमा लगा दिए, इसको ऐसे छोड़ दिए। अब यहाँ देखिए उतार चढ़ाव होगा, इसमें प्रश्न पूछना है अच्छा, तो इससे क्या होता है ऊपर से नीचे उठेगा अच्छा, और यहां आएगा अच्छा, यहां कोमा है इसलिए अच्छा, और यहां अच्छा में अच्छा, तो ये आरोह अवरोह दर्शाता है। इस तरह से हम लोग आज अनुकार यानी वर्ण परिचय जाने, वर्ण प्रकरण के बारे में जाने। फिर अगले जो वर्ग होंगे कक्षा होगा कक्षा होगा और हम लोग वर्ण के बारे में और विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे अध्ययन करेंगे।
तो आज हम लोगों ने जो वर्ण पढ़ा, इसमें किसी प्रकार की अगर किसी बच्चे को समस्या आती है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन करके हमसे विस्तृत जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।